क्या आपका आधार कार्ड खो गया है या गुम हो गया है? तो जाने मिनटों में कैसे पाए नया आधार कार्ड। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपके अपने चैनल देसी टेक में स्वागत करता हूँ। आधार कार्ड गुम हो जाने पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों को इसी परेशानी को समझते हुए UIDAI ने अपनी वेबसाइट पर एक नई सेवा की शुरुआत की है, जिसमें 50 रुपये का मामूली शुल्क चुकाकर आसानी से दूसरा आधार कार्ड पाया जा सकता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे पाए अपना रीप्रिंट आधार कार्ड। UIDAI की वेबसाइट पर जाए, ऑर्डर आधार रिप्रिंट पायलट बेसिस पर क्लिक करें। आप यहां स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आपको पर्सनल डिटेल में 12 अंकों का आधार नंबर या 16 अंकों का VID नंबर मांग रहा है। इसमें अपना आधार नंबर या VID नंबर डालेंगे और जो आपके स्क्रीन पर सिक्योरिटी कोड दिख रहा है उसे यहां पर डालें। रिक्वेस्ट OTP पे दो ऑप्शन है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड ना हो तो पहले वाले ऑप्शन पर चेक लगा दे, और यदि आपका मोबाइल नंबर आधार के साथ रजिस्टर्ड है तो सेंड OTP ऑप्शन वाले पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर में जो OTP आया है उसे यहाँ पर डालें। टर्म एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर चेक लगाएं, सबमिट पर क्लिक करें। OTP इंटर करने के बाद अपने आधार डिटेल को वेरीफाई कर लें। कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहे आधार डिटेल को चेक करें। अगर इसमें गलतियां दिख रही है तो उसके संशोधन के लिए आपको नज़दीकी आधार सेवा केंद्र जाना पड़ेगा। आधार डिटेल्स वेरिफिकेशन के बाद मेक पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करें। आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आपको वहां अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने पर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक एक्नॉलेजमेंट नजर आएगा। आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आएगा और आपका आधार कार्ड आपके पास पोस्ट के द्वारा 4 से 5 दिनों के अंदर भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए अपने चैनल देसी टेक के साथ इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद।